बधे बधे एक डोरी से। और कोई जिम्मेदारी तो तुम निभा नहीं पाए, कम से कम नौकर होने की जिम्मेदारी तो खूब अच्छे से निभा पाओगे तुम। इतनी तो उम्मीद हम रख ही सकते हैं तुमसे। ठीक है बेबी जी, ऐसे ही होगा। तो आपकी शादी मेरी नजरों के सामने ही होगी बेबी जी। आपको इस छोटी बस्ती से निकलकर एक महल तक जाते हुए मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। हर इंतजाम करूंगा आपकी शादी का, सिर्फ आपके लिए। सिर्फ इसीलिए कि आप मेरी मालकिन हैं। चलता हूं बेबी। सुमिता जी, बेबी जी ने जो भी कहा वो गुस्से में कहा, नाराजगी में। उन्होंने कुछ भी दिल से नहीं कहा। अब वैसे भी हक बनता है बेबी जी का, मैंने दुख ही इतने दिए उनको। नहीं रखो, तुमने एहसान किया बेबी जी पर, और वो एहसान मानने की बजाय उल्टा अकड़ रही है बदतमीज कहीं की। बस सुमित्रा जी, मैंने आपसे कहा ना बेबी जी की कोई गलती नहीं है। देखिए आपकी बात समझ में आए या ना आए, अब आप बेबी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैं अपने पूरे दिल से बेबी जी की इज्जत करता हूं और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। रखो, तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो ना, इतनी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम बेबी जी की इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो तुम्हारी मालकिन है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करते हो। चलो अच्छा ही है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। बड़ी किस्मत वालों को मिलता है सब बेवकूफ सा पति। हेलो करण जी। हेलो किन्नी, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ करण जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो गिनी। मुझे बहुत खराब लग रहा है, आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। अब मैं समझ गई हूँ, वो मेरा बचपना था और मैं ऐसी हरकत फिर दोबारा कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं गिनी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्यों करण जी? क्योंकि माफ तो उसे किया जाता ना जिससे नाराज हो। मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं होगी। नहीं, मैं तो डर ही गई थी। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, इनफैक्ट अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर लिया, वरना मैं तुम्हें फोन करने वाला था ये पूछने के लिए कि तुम अकाउंट पढ़ने कब आ रही हो। जल्दी ही आऊंगी करण जी, अब तो आपकी और बेबी जी की शादी भी हो रही है तो आप दोनों से मिलने जल्दी आऊंगी और फिर हम सब साथ में आइसक्रीम खाने जाएंगे। ठीक है, चलो अभी मैं रखता हूँ। बाय बाय। लीला दीदी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? बेबी जी, आपकी शादी अब करण जी से तो होनी ही है। मणि था का फैसला सही लगे या गलत, मैं था के फैसले का मान जरूर रखूंगी। अभी माँ तो है नहीं, तो घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं था को शादी का तोहफा देना चाहती हूँ। लीला दीदी, ये सब की क्या जरूरत है? आपने जितना साथ दिया है हमारा, हम उन सबकी यादें तोहफे की तरह अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। नहीं बेबी जी,
मारा दिल रखने के वास्ते ही ठाकुर कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। देखिए मना मत कीजिए, ठाकुर झुमके घड़े पसंद है ना। चलिए चल के ठाक के वास्ते झुमके देखते हैं। आइए भैया जरा झुमके तो दिखाना। अरे वाह ये तो घड़ा चोखा है, ठाकुर कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है, तो ट्राई करके देखो ना। जी दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी देखो। अरे बेला झुमके देख रही है अपने वास्ते? अरे नहीं काकी मारे वास्ते को नहीं, बेबी जी के वास्ते, इनकी शादी है ना। इनके वास्ते ये सस्ते झुमके देखने का फायदा ही को नहीं। जो पैसों के लिए पति बदल दे उनके लिए झुमके कैसी? ज्योति कैसी बातें कर रहे हो काकी? सही तो कह रही है, हमने तो पहले ही कहा था ये महल में रहने वाली कैसे रह सकती है बस्ती में। देखो बेचारे रघु का रह गया ना यहाँ का यहाँ, और ये महारानी वापस जा रही है अपने महलों में रहने के लिए। थारे को तो मानना पड़ेगा बेला, अपने ही भाई की पहली बीवी की शादी कितनी धूमधाम से करवा रही है। खड़े बदतमीज होते। मेरे दीदी रहने दीजिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, इन्हें कुछ मत कहिए। वैसे इसमें बुरा मानने वाली कोई बात है भी ना, हम तो जो सच है वो ही कह रहे हैं। चलो जी रघु को गलत समझने से अच्छा है कि ये लोग हमें ही बुरा समझे। हम तो चले जाएंगे यहां से, पर रघु को तो इन्हीं लोगों के बीच में रहना है। तो जब से लता गई है मारा तो दिमाग खराब हो गया है। यो घर के खर्चे का हिसाब देखते देखते, यो जमाई बाबू। हाँ जी बाबूजी। यो 14×27 कितने हुए? 14×27। अरे बाबूजी हिसाब किताब मुझे इतना ज्यादा नहीं आता, आप एक काम कीजिए ना, आप बेला से पूछ लीजिएगा, बेला ही सारा हिसाब किताब करती थी। हाँ 14×28 होते हैं, ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारे को भी मारूं बापू, मने था से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। बापू बेबी जी की शादी अब होनी है, तो थाने शादी के खर्चे का हिसाब लगाया है कि नहीं? अरे यो बिजली पानी का हिसाब नहीं बैठ रहा है, शादी का कटे बैठेगा। वो तुम्हारी मत मारी थी जो मैंने उस दिन जोश जोश में आगे बोल दिया था, धूमधाम से शादी करूंगा। अरे पीसा कटे हमारे पास। बापू कुछ भी करके इंतजाम तो हमें ही करना होगा ना। बेला दीदी इंतजाम करने के लिए घर में कुछ होना भी तो चाहिए ना, और बेबी जी कौन सी इस घर की बेटी है जिनके लिए हम इतना सरदर्द मोल ले। नहीं सुमित्रा, बेबी जी इसी घर का हिस्सा है और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है उनकी अच्छे से शादी कराने की। तू चुप कर गिन्नी, जब कमाना पड़ता है ना तब पता चलता है, समझी? बाबूजी आप शादी का खर्चा करण जी से क्यों नहीं टेकिंग कर लेते? कितने अमीर लोग हैं, क्या कमी है उनके ऊपर? अरे किससे मिला है भाया? आपसे। करण जी आज करण जी कैसे? नमस्कार। कैसे हम सब आपके बारे में ही बात कर रहे थे। यो मैं बच्चों को ये समझा रहा था कि शादी में कितना भी पैसा खर्चा हो चिंता की बात थोड़ी, धूमधाम से शादी होनी चाहिए। अपनों के लिए पैसा दिखता है कोई? बाबूजी थैंक यू सो मच, बट आप ऑलरेडी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए भी थोड़े से गिफ्ट लाया हूँ। वाओ गिफ्ट! और मेरे लिए करण जी? अरे तुम्हारे लिए भी है, देखो। आइए आइए ये बैठिए जी, बैठिए। अरे वाह इन सब में तो शादी के लिए कपड़े, हम शादी में ये कपड़े वेयरिंग करने वाले हैं? यो आपने एकदम चौका काम किया है करण जी, अब शादी के कपड़े सिलवाने की जरूरत कौन ही?
लेकिन करण जी, हमने शादी के पीछे जोड़ लिए थे, सारा हिसाब किताब हो गया, तो पर इतना सा बात की, थोड़ी सी कमी रह गई है बात, और कुछ नहीं, यो भी इंतजाम हो जाएगा, पर कहीं के थोड़ा अब समझदार हुआ। व्यास, अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्लीज आप मना मत कीजिएगा, ये 5 लाख रुपए हैं शादी की तैयारी के लिए। ये हो गया ना सोने पे सुहागा, एक तो शिवानी नाम की मुसीबत भी टल रही है और ऊपर से पैसे भी आ रहे हैं। करण जी, ये हो काहे, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं थारे पे इसे कैसे ले सकता हूँ? ये हमारे को चौकी बात नहीं लाके, ना ना ना। बापू बिल्कुल ठीक कह रहे सर। आई? रघु? बापू आपसे पैसे नहीं ले सकते सर। अरे नहीं, मारा यो कहने का मतलब है कि अगर मैं 20 साल लेने से इनकार कर दूंगा तो यो करण जी बुरा मान जाएंगे, और यो अच्छी बात कौन ही? नहीं बाबू, पैसे दीजिए। ये लीजिए सर, बेबी जी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उनकी शादी की तैयारी हम खुद करेंगे, ये पैसे हम नहीं ले सकते, आप रख लीजिए। नहीं रघु, तुम्हारे दिए गए पैसों से अपनी शादी कैसे करवा सकते हैं? पहले तुम ये तय कर लो कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं या फिर तुम्हारी मालकिन। जी, आप मेरी मालकिन ही हैं, लेकिन लेकिन इस परिवार का हिस्सा भी तो है, आप जिम्मेदारी है मेरी। नहीं रघु, ये दो रिश्ते एक साथ नहीं हो सकते। अगर हम तुम्हारी मालकिन हैं, तो फिर हम अपने नौकर से पैसे कैसे ले सकते हैं? मालकिन और नौकर के रिश्ते की एक सीमा होती है। वो सीमा शायद तुम भूल चुके हो। इसलिए पैसे रख लो, जो काम हमने तुम्हें सौंपा है हमारी शादी करवाने का, उसमें तुम्हें काम आएंगे। यो बेबी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, यो पैसे से मैं सारे शादी का इंतजाम कर दूंगा। वैसे करण, तुम रघु के लिए भी कुछ लाए हो ना? हाँ लाया हूँ वहां पे। रघु, तुम हमारी शादी में करण के दिए हुए कपड़े ही पहनना। After all, तुम हमारे नौकर हो, शिवानी राणा के नौकर।
वफादारी से इतने वक्त तक हमारी जिम्मेदारी ताजू के सौंपे गए एक काम की तरह उठाते आए हो। तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हमारी शादी में तुम नौकर जैसे ना दिखाई दो। ये सूट एक तोहफा है हमारी तरफ से, हमारी शादी करवाने का एक तोहफा। ये लो। अरे शिवानी, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे लंदन की टिकट करा दी है। अब हम शादी के बाद लंदन जा सकते हैं। बेबी जी, करण जी, आप लोग लंदन जा रहे हैं हनीमून के लिए? विवेक जी, सीखो कुछ। करण जी बेबी जी को लंदन हनीमून के लिए लेके जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री। नहीं माया भाभी, हम लंदन हनीमून के लिए नहीं जा रहे हैं। बल्कि शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए वहां सेटल होने जा रहे हैं। अब तुम्हें भी हमारी नौकरी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। एक बार हम ये शहर छोड़कर चले जाएं, तो फिर तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा हमारी जिम्मेदारी के लिए। अच्छा तो मैं चलता हूं फिर। अपना वॉलेट देना। वॉलेट क्यों? अब हम तुम्हारी होने वाली वाइफ है, तुम्हारे वॉलेट पर तो हक बनता है ना? ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये लो रघु, 5,000 रुपए। तुम्हारी बख्शीश। अब तुम हमारे लिए इतना काम कर रहे हो तो बख्शीश तो बनती है ना? वैसे आई एम सॉरी, तुमने अभी तक हमारे लिए जितने भी काम किए हमने तुम्हें कोई बख्शीश नहीं दी। इतने वक्त तक हमें यहां इस घर में रखा, हमारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। दरअसल हम भूल गए थे कि तुम हमारे नौकर हो और हम तुम्हारी मालकिन हैं। लेकिन अब जब तुमने याद दिला दिया है तो फिर हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आ, 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 आ,
एक बार हमारी शादी अच्छे से हो जाए तो फिर यहां से जाने से पहले हम तुम्हें और भी बख्शीश देकर जाएंगे रघु। हमारी शादी की सारी तैयारियां अच्छे से हो जाएंगी हो जाएगा बेटा।